इक्विलिब्रियम करेंगे। आज 22 जुलाई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, वृक्ष पति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है, तो अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। क्या किया बाबा ने? कौन है वृक्षपति? जैसे वृक्ष का पति कौन है? उसका बीज। तो बाबा क्या है? हम सभी आत्माओं का बाप। बीज है ना, रचता से हम रचना पैदा हुई, तो उसे कहेंगे बीज। तो बाबा है मनुष्य सृष्टि का बीज। तो जो बाबा का बन गया, जिसने दिल से कह दिया बाबा, उसी क्षण से उसके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। बृहस्पति की दशा मीन्स मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो सोना बनना शुरू हो जाएगा, यानी कितना बृहस्पति की दशा क्या है? सत्युग की दुनिया में चले जाएंगे, जहां कंप्लीट सुख शांति है, ऐसी दुनिया मिल जाएगी। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है और उनकी निशानी क्या होगी? अपनी अपनी निशानियां चेक करेंगे। क्या हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है? हम कुछ भी सोचते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है, हम कुछ भी बोलते हैं वैसा होता है, जो कर्म करते हैं उसमें सफलता मिलती है? चेक करेंगे। बाबा ने उत्तर दिया, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों का त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते, जो ये देह मैंने लिया, एक्वायर्ड है, पर मैं कौन? इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली आत्मा सब कार्य कर रही हूँ। सोचना, बोलना, करना मुझ आत्मा का काम है। जब ये स्मृति से, इस विश्वास से बॉडी कॉन्शियस को हटा करके सोल कॉन्शियस होकर कार्य करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। तो पता कैसे लगता है? उनके ही सुख का शास्त्रों में गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोपियों से पूछो। कौन बैठे सारे यहां पर?
गोप गोपियां। बाह्य सुख शारीरिक सुख तो सब लेते आए, अब शरीर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, अंदर ही अंदर से खुशी मिले वो है अति इंद्रिय सुख, वो हम बच्चे ही जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। तो आज चेक करेंगे कहाँ कहाँ हमारी खुशी गुम होती है। जहाँ खुशी गुम हुई समझो निश्चय में कमी है। अगर निश्चय में कमी है इसका मतलब अपने को बोल दो हम संशय बुद्धि हैं, और निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। गीत चला ओम नमः शिवाय, पितु मात सहाय, बंधु सखा तुम ही हो जग के रखवाले। एक ही रखवाला है पूरे जग का। ओम शांति। बच्चों ने गीत में बाप की महिमा सुनी? आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्ष पति डे, वृक्ष का पति। पति कौन है? बीज। एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष निकला तो उसको पिता कहो या पति कहो। तो जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति, फिर दशा बना दी बृहस्पति, और इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार पर तो सत गुरुवार, सत्य में जो गुरु आया उसका दिन है आज। तो सत गुरुवार बंगाल में भी बहुत मानते हैं क्योंकि गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए कहते हैं वृक्ष पति। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा, फिर वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। बीज से पेड़ निकला तो उसको बाप भी कहेंगे क्योंकि उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। तो ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, वो बीज धरती में डालते हैं नीचे होता है, और शिव बाबा ये बीज ऊपर में है, तभी कहा जाते हैं भगवान का इशारा कहाँ करते हैं ऊपर में है। तो वो बीज ऊपर में है, तुम ही जानते हो हम बच्चों पर अब, यानी कि जब से बाबा के बन गए, अब अविनाशी वृक्ष पति की दशा है। वृक्षपति को बृहस्पति को एक ही बात है, क्यों? क्योंकि अविनाशी स्व राज्य मिल रहा है, अविनाशी स्वयं के लिए राज्य भाग्य मिल रहा है। अब सत्य को कहा जाता है अविनाशी सुख धाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। यहां पर खुशी भी होती है एक सेकंड की, थोड़ी देर के बाद दुख ही दुख है। और अभी इस कलयुग का दुख धाम का विनाश होना है। अब सुख धाम सत्युग स्वर्ग कहो अविनाशी है, और आधा कल्प चलता है सत्युग और त्रेता तक, जो अविनाशी वृक्षपति
स्थापन कर रहे हैं। संगम युग पर शिव बाबा तीन धर्म स्थापन करते हैं, अभी ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। तो अभी संगम पर हो रहे हैं, बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। अब प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य दुनिया वाले जितने भी मनुष्य हैं तो कुछ भी जानते नहीं कि बरोबर ये है ज्ञान। तो अब बाप ये ज्ञान देते ही हैं, किस लिए देते हैं, नई और कब देते हैं, नई और पुरानी दुनिया के बीच में, कलयुग और सत्युग के बीच में। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, यानी कि देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। उनको पता हो कि सत्यों के बाद हमारी गिरावट होगी, फिर तो मजा ही ना आए। अभी भी सिर्फ तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी। अभी सोचते हैं ना, सत्युग में चढ़ जाएंगे फिर गिरावट में आ जाएंगे। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है, फिर गिरावट में आ जाएंगे। बाबा क्या कहेगा, अरे यही तो ड्रामा बना हुआ है। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, क्या ड्रामा है, चक्कर को फिरना ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। अब कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। तो ये है मनुष्य सृष्टि, तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है कि जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। सेक्शन सबका अलग अलग है, मूल वतन में भी सबका सेक्शन अलग अलग है। अब ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कोई शास्त्रों में तो ये बातें लिखी हुई ही नहीं है कि हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं और अविनाशी हैं, कभी विनाश को नहीं पाते। और सन्यासी जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं वो फिर एग्जाम्पल देते हैं, समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। वो कहते हैं ना, जैसे पानी का बुदबुदा निकला पानी में समा गया, ऐसी आत्मा परमात्मा में समा जाती है। बाबा कहते वो तो विनाशी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, ये तो अविनाशी है, आत्मा का विनाश तो होता ही नहीं। तुम्हारी और तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, क्या राज है, कि आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। और ये चक्र का ज्ञान कोई शास्त्रों में है ही नहीं, भल कहीं कहीं स्वास्थ्य का भी दिखाते हैं, चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, चार लकीरें लगा दी स्वास्थ्य का बना देते हैं। पर जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म है। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म और मुख्य शास्त्र हैं चार। सत्युग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, न सत्युग में धर्म स्थापन होता है न त्रेता में, न वहां कोई धर्म शास्त्र होता है।
क्योंकि ये सब द्वापर से शुरू होते हैं, फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अब प्रश्न उठता है, गीता कब सुनाई गई? गीता कब सुनाई गई? शास्त्रों में लिखा है द्वापर में सुनाई गई। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है कि मैं हर संगम पर युग पर आता हूं। बाबा आज बता रहे हैं वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते, किसी भी संगम युग, संगम तो सत्युग त्रेता का भी संगम है, त्रेता द्वापर का भी संगम है, और बाबा नया राज बता रहे हैं कि किसी भी संगम पर कोई भी धर्म स्थापक धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं, जब द्वापर शुरू हुआ एकदम इस्लाम धर्म स्थापन नहीं हुआ, क्या कहेंगे, द्वापर में स्थापन हुआ। क्योंकि जब इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, ये पता ही होगा आपको, जब इब्राहिम आए थे उस समय धर्म स्थापन नहीं हुआ। इब्राहिम के जो पिता थे वो तो मूर्तियां बनाते थे, मूर्तियां बेचते थे, तो जब इब्राहिम छोटा सा था उसने देखा ये मूर्ति, इतनी सारी मूर्तियां बनाई हुई हैं, एक चूहा आया, चूहा मूर्ति को गिरा दिया। अरे कहता हिंदू इसको भगवान मानते हैं मूर्तियों को, ये चूहे से तो अपने को बचा नहीं सके, दुनिया की क्या रक्षा करेंगे। उसने क्या किया, सारी मूर्तियां तोड़ दी रातों रात। जब सुबह उसके पिता ने देखा अरे ये तो हिंदुओं का गांव है, मूर्तियों का सब पूजन करते हैं, इसने तोड़ दिया, तो उन्होंने डांटा उसको, उन्होंने बाहर निकाल दिया उसको कि तुम जाओ भैया तेरे को सब मार देंगे। तो बाद में वो जब बाहर गया वहां जाकर फिर उसने धर्म की स्थापना, बाद में उसके बाद उससे उनसे धर्म की स्थापना हुई, यानी एकदम तो शुरू में हुई नहीं। ये बाबा बता रहे हैं क्या कहेंगे, द्वापर में स्थापन नहीं हुआ, यह संगम का है सुहावना समय, जिसको कुंभ कहते हैं, संगम जो कह दो या कुंभ कह दो, कुंभ संगम को कहा जाता है। तो ये है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम, ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है, तभी लोग कहते हैं ना कुंभ का मेला है। उन्होंने तो 12 वर्ष में दिखा दिया, 6 वर्ष में दिखा दिया, पर है ये 5000 साल के बाद का मेला मिलन। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया, ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। ज्ञान का सागर वो कैसे पतितों को पावन बनाता है ये जानते ही नहीं, माना उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया ये कोई भी शास्त्रों में है ही नहीं। तो अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, पावन कैसे बनेंगे, माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, उसके लिए देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं, आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना, और दुनिया में मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध
छूट जाते हैं, तो हमने एकदम स्मृति मिलाना है। ये देह तो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए है, मैं तो देह से अलग आत्मा हूं, और अब मैं आत्मा बाबा की बन गई हूं, मुझे जो बाबा कहेगा मुझे वो ही करना है। अब बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वो सब छोड़, छोड़ना किसी को नहीं है यानी बुद्धि से भूल, अपने को आत्मा निश्चय करो, निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो, निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो, मैं आत्मा हूं। अब जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। अब जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। अब आज सारे दिन जांच करनी है कि हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं, क्योंकि याद से ही कट निकलती जाएगी, जो विकारों की कट पड़ी हुई है वो याद से निकलेगी। और कैसे पता लगेगा तुम्हारी अंदर की कमी कमजोर निकल रही है, और तुमको खुशी होगी। याद में बैठो, उसके बाद चेहरा देखो खिला कि नहीं खिला, तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। और अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी और खुशी भी कम रहेगी और पद भी कम पाएंगे, क्योंकि आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। गिरावट में आत्मा ही आई, इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है, यो क्या है, और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के। देखो भी भूल जाओ, मैं आत्मा शरीर से निकली पहुंच गई परम धाम, बाबा बैठा है सामने, बस वही दिखे, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा और हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा या ये कहो सतगुरु की दशा है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है। तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है, खुशी क्यों गुम हुई, देह याद आई, देह की किसी से कामना याद आई, इच्छा याद आई, ये करना वो करना, इतना नहीं करते वो नहीं करते, बस आ गई राहु की दशा। कोई बहुत साहूकार दुनिया में होते हैं, कोई सट्टा लगाया, सट्टा खेलते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये दिवाला निकला, दिवाला निकाल देते अपना, सट्टे में तो कोई जीत ही नहीं सकता, अपने को बहुत समझदार समझते कि हम शायद जीत जाए। बाबा ने कहा दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही भारत में जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, तुम्हारी देवी देवता, तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और हम पापी हैं कपटी हैं, है ना। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं, सब विकारी बन गए हैं। अब चंद्रमा
की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है, जैसे कल बाबा ने बताया अमावस्या हो जाती है। बाप भी समझाते हैं, तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते। अब रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म वालों के हेड जो होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो। क्या समझाना है? ईश्वर सर्वव्यापी तो है ही नहीं, अरे वो तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, वसीयत देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं। साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता ही नहीं, तो वो मानेंगे कैसे? वो सत्युग देवता में तो आते ही नहीं, उनकी आत्मा ने वो सत्युग देवता का टेस्ट ही नहीं किया, तो मानेंगे कैसे? तो वर्षा तुम बच्चों को ही मिलता है। तो मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब ईश्वर है उसके लिए शिव जयंती होती है, शिवरात्रि का त्यौहार है। अब शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं। रुद्र क्यों नाम रखा? क्योंकि इस ज्ञान यज्ञ रचा, इसका नाम रख दिया रुद्र यज्ञ। अब है तो शिव, वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। और प्रैक्टिकल में शास्त्र में लिखा हुआ है, और तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। अब साकार तो कुछ कर ना सके, ब्रह्मा बाबा ये कोई भी धर्म स्थापक तो कुछ कर ना सके, ये है बेहद का यज्ञ। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, बाकी जितने भी यज्ञ रचते हैं, जौ तिल घी वगैरह डाल जलाते हैं, वो सब है जिस्मानी यज्ञ। हमारा है रूहानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। तो बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इससे मतलब विनाश भी होना है। कब होगा विनाश? तुम जब पास हो जाएंगे, तुम जब पास हो जाएंगे, पास होना मीन्स पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। बाबा के बच्चे कौन है? जिन्हें पूरा ज्ञान भी समझ आए और योग भी समझ आए, दोनों सब्जेक्ट में जब पास हो जाएंगे, ज्ञान में भी और योग में, तब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। इसका मतलब नरक का जरूर विनाश चाहिए। स्वराज्य राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, इसमें स्वराज्य को पाने के लिए राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा। तो हमने कहा राजस्व अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है, उसमें फिर वो घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा ये रथ, ये शरीर को भी अश्व कहते हैं ना, ये आत्मा घोड़े की तरह है ना, जैसे आत्मा में क्या है, मन भागता है ना बहुत, ऐसे घोड़ा भी बहुत भागता है। तो उसमें जो बहुत रेस का घोड़ा होता है ना, फास्टेस्ट होता है, उसका फिर स्वाहा कर देते हैं। फिर एक दक्ष प्रजापिता का भी यज्ञ रचते, कहानी बना दी, दक्ष प्रजापिता की बहुत लंबी कहानी बना दी, उनकी भी कहानी है। तो अब तुम बच्चों को
अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, अपनी अपनी शक्लें देखो, किसको खुशी चढ़ी इस बात की? अभी खुशी नहीं चढ़ी तो जिंदगी में कभी खुशी नहीं चढ़ेगी, चेक करो। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, किस बात की? हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारे ऊपर अब है बृहस्पति की दशा, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंज गए, कंफ्यूज ही हो गए। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ। पहले हम भागे भागे क्लास में जाते थे, अब पता नहीं क्या हुआ। बाबा कहते यहां आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है, वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं, अब यहां तो दान करने की बात ही नहीं। इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना, न ज्ञान में पैसा खर्च होता है न योग में पैसा खर्च है। वो है जिस्मानी यात्राएं और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। हम आत्मा समझते हैं, एक सेकंड में आत्मा उड़ जाती है, पहुंच जाती है परमधाम। यही तुम्हारा योग है ना, सत्यु में आ गए, सूक्ष्म में पहुंच गए। पैसा लगता है इसमें? कुछ कुछ भी नहीं। बाकी जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं है। गीत में भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी दूर है, कितने जन्म जन्मांतर दूर है। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होगी, द्वापर से यात्राएं कर रहे हैं, कितनी ढेर की होंगी। अब कहीं ना कहीं मनुष्य जाते जरूर हैं, फिर हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं और पतित पावनी गंगा समझते हैं ना, समझते हैं गंगा जी पतितों को पावन बनाएगी। है पतित पावनी गंगा? बाबा ने एक बार कहा था, अगर पतित पावनी गंगा है तो इतने सारी जेलों में लोगों को क्यों बिठा रखा है, सबको पानी में डुबोकी मिला दो ना, सब ठीक हो जाएंगे। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, तुम ही हो ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर स्नान करते हैं, यहाँ पर आकर के स्नान कर रहे हैं, जो ज्ञान का स्नान कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु सच्चा गुरु एक ही है, यानी सर्व का सदगति दाता सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूं, फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। ये भी अभी पता पड़ा है, जितनी पूजाएं करते हैं और ही दुखी होते रहते हैं। पहले सोचते थे पाठ पूजा करेंगे ठीक हो जाएगा, अब पता लगे तो और ही दुखी हो गए। जो पैसा पूसा माड़ा मोटा था घर में पड़ा हुआ था वो वहाँ पर लगा दिया, और उसके बाद घर में लड़ाई झगड़े हो गए, पैसा नहीं है। अब पता लगा ना बातों का, तो बरोबर हमारा आधा कलप पर राज्य चलता है। फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए, पतित मार्ग में चले गए, विकारी मार्ग में चले गए, गिरावट की मार्ग में चले गए। मैंने जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है,
फिर उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ, सबसे पुराना मंदिर है जगन्नाथ का, जहां अंदर की मूर्तियां भी काली है और बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल न्यूड चित्र से हटा दिए, पहले वहां पर ऐसे चित्र थे, बिल्कुल नंगे नंगे चित्र थे। उस समय अपने को भी थोड़ा ही समझ में आता था कि ये क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। उन्होंने कह दिया देवताएं भी तो विकार में जाते थे, देखो प्रूफ वहां पर है, मंदिर के सामने चित्र लगे हुए हैं, क्योंकि लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, फिर ड्रेस भी देवताओं की दी है, फिर यहां भी मधुबन में दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। तो इन सब राजों को दुनिया में और कोई जानते ही नहीं। अब ब्रह्मा बाबा का तो अनुभवी रथ है ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा तो सब जगह गए थे, हम हर जगह जाते थे, बहुत भक्ति वाले थे ये। तो बाबा शिव बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया। तुम बच्चे अब समझ रहे हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला इस दलाल के रूप में। माना तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो, है ना। माना सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण, कृष्ण का बाप भी तो होगा ना, कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, माथे पर सिर पर रखकर नदी से उस पार ले गया, वहां नदी में छोड़ दिया, इतना दिखाते हैं। रजाई आदि कुछ नहीं दिखाई, अब उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है, उनके बाप की महिमा ज्यादा होनी चाहिए ना, नहीं है क्यों, अभी तुम जानते हो इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पड़ी है। ये ब्रह्मा कौन है, वही कृष्ण की आत्मा, अब इन्होंने ही दोबारा से कृष्ण बनना है, या अभी समझ आई हमारे को, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना, फिर हम बने चंद्रवंशी, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्री मत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो, दूसरों को देखना नहीं है, अपनी स्टेज देखो। अगर हम इसी समय शरीर छोड़ दें तो, अगर अभी अभी शरीर छोड़ जाए तो किस गति को पाएंगे, किस गति को पाएंगे। हर एक समझ सकते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। आज सारा दिन चेक करना है, दुनिया को तो सारा दिन याद रहते हैं, पर आज हमने दुनिया से टाइम निकाल करके कितनी देर बाबा को याद, कितनी देर बाबा की याद में मगन रहे, ठीक है। आज साल चेक करना, जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। अब मनुष्यों के ऊपर कोई आफतें,
या कोई दुख आता है वह दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते ये तो भगत आदमी है, दिवाला निकल गया चलेगा साधुओं के पास, फिर साधु वेश पहन के आ जाएंगे, लोग क्या कहेंगे ये तो जो बड़े साधु आदमी हैं, ये तो भगत आदमी हैं, ये ठगी थोड़ा ही करेंगे। ऐसा होता ना, ये ठगी थोड़ा ही करेंगे। और बाबा क्या कहता है, भगत सबसे बड़ा ठगत। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे भी दो चार वर्ष में फिर बहुत धनवान हो जाते हैं, उनके बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, पैसे वो अंडरग्राउंड रखते हैं, कोई टैक्स तो देते नहीं है, सब ब्लैक मनी उनके पास होती है। तो हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, तुम्हारे में भी बहुत हैं, सुनो अपनी रिपोर्ट, तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। आज तो सारे पास हो गए सिर अमृत वाले में नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो, चाहते हो सर अपना कल्याण हो तो अपने पास नोटबुक रखो, डायरी रखो और चार्ट नोट करो। क्या नोट करना है, हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। और मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, डेली डायरी लिखते हैं, आज मैंने क्या किया, आज क्या क्या किया, आज क्या क्या किया। तुमको तो सिर्फ डायरी लिखनी जरूरती है, डेली डायरी लिखनी जरूरती है, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, वो भी अपनी ही उन्नति है, अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा ही नहीं सकेंगे, विक्रम विनाश ही नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा, मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वो क्या काम का, मतलब कि रोटी तो मिलेगी, चार थप्पड़ मारे गालियां निकाल करके बांध के ले खा रोटी, उस रोटी खाने का क्या फायदा, इज्जत मान से मिले ना रोटी, उसी का तो फायदा है। तो बाबा ने कहा धर्मराज का मोचरा ना खाएं, यानी बेइज्जती ना हो, यह पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, कितनी देर बाबा इंतजार करता है कि मेरे बच्चे बाहर से आए हैं मुझे मिलने आएंगे, फिर हम चले जाते सीधे ही, बच्चे फ्रूट लेके आते हैं बाजार से, बाबा देखता है अच्छा मुझे खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, खाना बनाते हैं बाबा देखता है मुझे खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, फिर हम क्या करते हैं शुरू शुरू में तो बाबा को खिला देते हैं, बाकी सारा खा जाते हैं खुद ही, बाबा भी देखता है कि हर बाइट मुझे खिलाएं, ठीक है ना, बाबा को खिलाओ फिर बाबा आपको खिला रहा है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, बाबा तो बाप है कुछ नहीं कहेगा, फिर साथ में राइट हैंड धर्मराज भी है, और धर्मराज कैसा है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, बाबा दिखाएगा सारा साक्षात्कार में कि तुमने ये किया था, दिखाएगा याद है, याद कराएगा बाबा अब खाओ सजा, फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं, पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ मिला उससे क्या फायदा, थोड़ा कुछ पद मिल भी गया लास्ट में उससे क्या फायदा,
मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, मार क्यों खानी है? तो अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, बिजनेसमैन डायरी रखते हैं डेली की, क्या प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ऐसे भी अपना भी आज सारे दिन का प्रॉफिट क्या क्या किया, कितना ज्ञान मुरली को कितनी बारी पढ़ी, कितना मनन किया, योग कितना चक्कर लगाए, कितनी अवस्था रही बाबा को याद करने की कैसी रही, फिर आज की धारणाएं कैसी रही, आज सेवाएं कितनी की, ये सारा डेली का रिकॉर्ड रखना है। कोई 6 मास का, कोई 2 मास का रिकॉर्ड रखते हैं ना, कोई तो रोज का भी निकालते, डेली प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो, कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। अपने दुनियावी बिजनेस तो सब दुनिया करती है, अब बाबा से व्यापार करना है, कोई मुश्किल है, कोई विरला ही है जो बाबा से व्यापार करे। धन नहीं है, बाबा कहते कोई बात नहीं, तो तन मन तो है ना, उनको सर्राफ भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना। क्या मट्टा सट्टा करते हैं? तुम तन मन धन देते हो, उसकी रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। अपनी गंध देते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, उसके रिटर्न में क्या कुछ देता है, पर ये भी देने को दिल नहीं करता उसको, हमको गंध देने को भी दिल नहीं करता बाबा को, नहीं कितने कैसे बनते हमने। बाबा ने कहा वो 21 जन्म के लिए इसके रिटर्न में देते हैं। बाबा बाबा हम आपका हूँ, क्या कहोगे बाबा को? बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, कितना प्योर बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता है। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, तुम वैकुंठ में भी देखते ही हो, बाबा साक्षात कराता है, देखते हो वैकुंठ में, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा, ये मम्मा और ब्रह्मा बाबा, फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं, लक्ष्य हमारा क्या है, लक्ष्मी जैसा बनना, नारायण जैसा बनना। अब लक्ष्य तो है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे चेक करके अपने को चेंज करे। अगर अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे और धम चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे, ठीक है, धम चक्र पंगे पुंगे डालोगे, उल्टा सीधा करोगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करोगे। अच्छा मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज के मुख्य पॉइंट दोबारा सुनो, जो सारा दिन रिपीट करने हैं, याद करने हैं, जीवन ऐसा बनाना है, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है, दूसरा कोई बोले तो बुरा लगेगा, अपनी चेकिंग खुद करो, मतलब अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है, कितनी देर याद रहा, कितने सुदर्शन चक्र फिराए वो याद रखो,
दूसरा बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है, अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। तन मन धन तेरा, कहते ना बाबा क्या लागे मेरा, तो तन बाबा को दे दिया, अब चेक करो सिर्फ बाबा की सेवा में लगा रहे हैं, मन जो बाबा ने मुरली में कहा है वही सोचते हैं या दुनिया का कबाड़ सोचते हैं, दुनिया की बातें सोचते हैं, धन अपना धन यज्ञ में सफल कर रहे हैं, चेक करो कि बाहर के लिए रखा हुआ पैसा उसका रिटर्न देखो 21 जन्मों के लिए मिलता है, अदरवाइज तो विनाश में तो जो जमा किया वो चला जाएगा। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है, कैसे होगा वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। हम कौन है आज, सहज योगी, निशानी क्या है उसकी, जो फाउंडेशन को आधार को मजबूत बनाएगा अपने। तो कैसे आधार कैसे मजबूत होगा, आत्मा का आधार क्या है, उसकी वैल्यूज उसको मजबूत बनाएंगे, कैसे बनेगा, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। तो पहली श्रीमत क्या है, शरीर नहीं हम आत्मा है, आत्मा मीन्स आत्मा के वैल्यूज के बारे में विशेष अटेंशन रखो, जब विशेष श्रीमत मतलब आत्मा की जो वैल्यूज हैं, मैं आत्मा प्योर हूँ शांत हूँ, है ना, इस पर जब विशेष अटेंशन देंगे स्पेशल अटेंशन देंगे तो 7 वैल्यूज जो हमारी है वो हमारा फाउंडेशन है आधार है वो मजबूत बन जाएगा। तो क्या बन जाएंगे हम, क्या बन जाएंगे हम, सहज योगी, क्या बन जाएंगे, सहज योगी। और जो आत्मिक स्मृति में नहीं रहेगा, आत्मा के गुणों का फाउंडेशन मजबूत नहीं बनाएगा, उसे क्या कहेंगे, सहज भोगी। तो आज हम सहज भोगी की जगह सहज योगी हैं। बाबा ने कहा बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि यदि आत्मा की बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिकी नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं, है ना, किसी चीज से जोड़ना है उसको रगड़ रगड़ के बराबर बनाएंगे तभी चिपकेगी वो। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमत ही है मुख्य फाउंडेशन, क्योंकि बाबा का कनेक्शन शरीर तो है नहीं, मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता मुझ आत्मा का पति वो शिव बाबा है, तब कनेक्शन जुड़ेगा। तो ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है, इसी बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आत्मिक स्मृति रखोगे तो सहज योगी बनोगे, देहिक स्मृति रखोगे तो सहज भोगी के भोगी रह जाओगे, मोचरा ही खाना पड़ेगा फिर तो। सिर्फ स्लोगन कर्म कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। मैं कैसा हूं क्या हूं जो मैं कर्म कर रहा हूं उसी से पता लगेगा मैं आत्मा कैसी हूं। तो कर्म
खाली कर्म करना नहीं है, मेरी सोच कैसी है, मेरे बोल कैसे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, ये सब कर्म है। ये क्या है? आत्मा कैसी है उसका दर्शन कराने वाली। इसलिए ऐसे कर्म करो जो शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। मैं किस पावरफुल बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा कमजोर नहीं हूं, पावरफुल हूं, ये प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। आशा दीदी का नंबर देना।